राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति असुरन द्वारा दशहरे के अवसर पर मंगलवार को राप्ती कॉम्प्लेक्स के सामने विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इस संबंध में समिति के संयोजक विनोद प्रताप गोविंद राव ने बताया कि चैत्र रामनवमी और दशहरे पर हर वर्ष हम लोगों द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राप्ती कॉम्प्लेक्स के व्यापारीगण एवं राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के संयोजक विनोद प्रताप गोविंद राव ने कहा, श्री गोविंद प्रताप राव जी द्वारा और तालियों के साथ बोलिए दुर्गा मैया की जय। आने जाने वाले सभी भी माँ भक्तों से हम लोग अनुभव गुप्ता, माता जी की मूर्ति लेके हम लोग बागागाड़ा जा रहे हैं विसर्जन के लिए। रास्ते में हम लोग को भंडारा मिला कहीं? हाँ भंडारे में प्रसाद चढ़ा कि हाँ। अमित सिंह सूर्यवंशी, सबसे पहले विजयदशमी और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं, माँ की अनुकंपा सब पे बनी रहे। व्यापार प्रकोष्ठ राप्ती कॉम्प्लेक्स के संयोजन से हर साल रामनवमी और दशहरे में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। हर साल की बात, इस साल भी माँ के आसुम अनुकंपा से व्यापारी बंधुओं ने मिलजुल करके माँ के भंडारे का आयोजन किया है, जिसमें तमाम भक्तगण आकर के माँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। हर साल के बाद भी इस साल भी माँ की कृपा सभी भक्तजनों पर, व्यापारी बंधुओं पर बनी रहे, बस माँ से हमारी यही मनोकामना है। प्रशांत कुमार त्रिपाठी, आज जो है विजयदशमी के दशहरे के शुभ अवसर पर जो विशाल भंडारा किया जा रहा है, जिसमें तमाम श्रद्धालु आके यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेंगे और जो है व्यापार समिति के, राप्ती व्यापार समिति के द्वारा ये भंडारे का आयोजन कराया जा रहा है। मेरा नाम विनोद प्रताप गोविंद राव, मैं संयोजक हूँ राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति का। आज विजयदशमी के उपलक्ष्य में इस भंडारे का आयोजन हर वर्ष राप्ती कॉम्प्लेक्स में होता है, विजयदशमी और चैत्र रामनवमी के उपलक्ष्य में हर साल ही हम लोग आयोजन करते हैं, उसी के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया है। कितने लोगों की भंडारे में आज? इसमें करीब 3,000 आदमियों को हम लोग पूरी सब्जी और हलवा खिलाते हैं। ये हर वर्ष, इस वर्ष भी किया जा रहा है, हर वर्ष की भांति।